आंसर। ओके सर आई थिंक 7 आल्सो। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है ना 7 टाइप के, ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं सर, बस 8 और 9 थी, 7th आ गया। हाँ अच्छा, सर वर्कशीट 2 में जो भी डाउट्स है वो पूछ लो। 1 मिनट बेटा, हाँ बोलो। 6 to 11। अरे बाप रे, ठीक है 6 to 11। ऑल राइट, सर 10। ठीक है 6 to 11 में वो कवर हो गया। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? कितने लोग आ गए रे? ओनली सर 14 पीपल केम, और 17। ठीक है ऑल राइट, लेट अस कंटिन्यू सॉल्विंग। सब लोगों को याद है ये सारे कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ रेशोज, यस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर। रेशोज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। ओके सो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कंपाउंड रेशो ऑफ, ये तीन रेशो का कंपाउंड रेशो पूछा गया। तो कंपाउंड रेशो का डेफिनेशन आपको क्या बोला था? कंपाउंड रेशो, लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर आर 3 रेशोज, ए बाय बी, सी बाय डी एंड ई बाय एफ। तो इनका कंपाउंड रेशो लेते वक्त हम क्या करते हैं, इनके जो फर्स्ट टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन सेकंड सेकंड टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करो। मींस यू कैन से इन अनदर वर्ड, मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स। ये हमने देखा था कंपाउंड रेशो में। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड रेशो ऑल्सो हियर। कंपाउंड रेशो में ऐसे तीन तीन रेशो दिए हैं, तो ए सी ई इज टू बी डी एफ यहाँ पे दिया हुआ। सो सेम थिंग वी विल डू हियर। रेशोज क्या क्या दिए हैं देखो, पहला है 3x इज टू वाई, उसको मैं अपॉन में लिख रहा हूँ, 3x अपॉन 4y फर्स्ट रेशो। देन सेकंड इज ए बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर एंड द थर्ड रेशो इज सी अपॉन बी स्क्वेयर। इसका कंपाउंड रेशो जब हम निकालते हैं, सो वी मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स, 3x इंटू ए बी स्क्वेयर इंटू सी अपॉन में मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स, 4y इंटू सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर 1 आएगा, इट विल गेट कैंसल्ड। सी स्क्वेयर है तो एक सी कैंसिल होगा, एक सी नीचे बचेगा बाद में, तो ये आया आंसर 3x ए अपॉन 4y सी। ठीक है सो देयर फोर 3x ए अपॉन 4y सी, दैट इज ऑप्शन 1। उन्होंने ax पहले लिखा, a पहले लिखा, x बाद में लिखा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। वो कंपाउंड रेशियो में फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है ना? नहीं रे, कंपाउंड रेशो या फिर कंपाउंडेड रेशो का मीनिंग यही है, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म्स एंड सर टेक। वो फोर्थ नहीं तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें रेसिप्रोकेटेड रेशियो ऑफ कंपाउंड रेशियो ऑफ ऐसा है अच्छा, क्वेश्चन। वो आपके दिमाग में रह गया होगा कि उस केस में, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं पूछा है बेटा, 6 में खाली कंपाउंड रेशो पूछा है। फोर्थ में रेसिप्रोकल ऑफ कंपाउंड रेशो पूछा, तो पहले हमें कंपाउंड रेशो निकालना पड़ेगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों का न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो तो वो आ हाँ जाएगा 5 सर, इंटू आप 10 एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 50 अपॉन 54, दैट इज 25 अपॉन 27 एंड देन इसका रेसिप्रोकल, सो आंसर विल बी 27 अपॉन 25, दैट इज ऑप्शन 2। नंबर 2 हाँ सर, सिक्स हाँ क्वेश्चन एक बार।
सिक्स्थ क्वेश्चन का स्लाइड दिखाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन एक्स माइनस फोर वाई अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन देन फाइंड वाई स्क्वेयर इज टू एक्स स्क्वेयर। सी फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन एक्स माइनस फोर वाई अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई is equal to 5 upon 13, we have to find out y square upon x square. Y square is to x square means this division we have to find out. Okay, इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा. So what I am going to do is एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो बेटर we can divide numerator and denominator by y by x lana hai to by x. It is like my question only na. It is like sir that day I asked na you one question like that only it is na. ha 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 वैसे ही है बस खाली यहाँ पे हमें एक्स अपॉन वाई नहीं यहाँ वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर पूछा गया तो थोड़ा और एक दो स्टेप आगे करने पड़ेंगे. तो पहले मैं क्या करूँगा वाई अपॉन एक्स फाइंड आउट करूँगा और फिर उसका हम लेंगे स्क्वेयर. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर. तो पहले हमारा गोल है कि वाई बाय एक्स निकाला जाए. ठीक है नाउ सी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स टू ओनली एल एच एस. एल एच एस में हम x से डिवाइड करेंगे टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा 4 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन यहाँ x कैंसिल होगा और यहाँ आएगा अपॉन में x. ये सब लोगों को समझा क्या? यस सर. सेवन एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर वाई अपॉन एक्स 3x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया. कैंसिल मतलब वो 1 आया तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा 7 माइनस फोर वाई बाई एक्स प्लस थ्री वाई बाई एक्स इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन. अभी ये जो y बाय एक्स है ना ये बार बार लिखने में हमें तकलीफ होता है इसलिए मैं y बाय एक्स की जगह खाली टाइमिंग के लिए k ले रहा हूँ. जस्ट फॉर टाइमिंग आई एम टेकिंग k जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. 7 माइनस फोर के प्लस थ्री के इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये. सो 13 इंटू 7 माइनस फोर के इज इक्वल टू फाइव इंटू थ्री प्लस के. सो मल्टीप्लाई इन साइड ब्रैकेट नाउ 13 इंटू 7 माइनस 13 इंटू 4 के इज इक्वल टू फाइव इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू के. 13 सेवन जा हाउ मच 92 के. 53 जा 15 प्लस 5 के. इस 52 के को राइट में शिफ्ट करेंगे और 15 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. सो इट विल बिकम 91 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 के प्लस 52 के. समझ में आया सबको ये? यस सर. 52 प्लस 5 57 के इज इक्वल टू 91 में से 15 माइनस कर दे कितने बचे? 76. तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू मिलेगा 57 के इज इक्वल टू 76 है. सो डिवाइड बाय 57 ऑन बोथ साइड सो इट विल बी के इक्वल टू 76 अपॉन 57. डिविजिबल है क्या ये? नो सर. आई थिंक 19 फोर जा 19 थ्री जा चेक करो.
19 के टेबल में है ना, 19 4 जा अपॉन 19 3 जा, के का वैल्यू था हमारा के था y बाय एक्स, ठीक है ना। ये टाइमिंग के लिए, वो सिंप्लिसिटी के लिए हमने y बाय एक्स के जगह के डाला था। सो k का वैल्यू, y बाय एक्स का वैल्यू हमें 4/3 मिला। हमें y बाय एक्स नहीं चाहिए, हमें y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर चाहिए। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से टेक डुप्लीकेट रेशो। टेकिंग स्क्वायर मीन्स डुप्लीकेट रेशो। सो टेक स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सो रेशो के फॉर्म में आंसर आएगा 16:9। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो सर। कहाँ डाउट है पूछो, समझ में नहीं आया। कहाँ पे डाउट है पूछो सर। दैट आपने वो सेवन वो आपने उसका बोला था लीनियर इक्वेशन का, उधर करना पड़ेगा उधर। हाँ, सर ये वाला। हाँ एक्चुअली यहाँ से इस स्टेप से यहाँ तक जो सॉल्विंग किया मैंने, ये सब हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन चैप्टर में इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा। सो ये आपको पता रहना चाहिए था कि वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है 7 - 4 के, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद 13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, बीच में आएगा 3 + k विल गेट मल्टीप्लाइड विद 5। सो 5 × 3 + k। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 13 से ब्रैकेट में हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो। 13 × 7 - 13 × 4 k, 5 × 3 + 5 × k। बस अगला तो आपको पता ही है, 13 × 7 = 91, 52 k, 15 × 5 k। लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए नंबर्स और k वाले टर्म्स राइट में शिफ्ट कर दिए, तो इसीलिए 52 k पॉजिटिव होगा, 15 नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, अभी समझ में आया, कंफ्यूज हो रहा था। ओके 16:2, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सेकंड। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने भी यही किया था, सिर्फ मैंने क्या किया था, उसे के नहीं माना था, उसे वैसे ही रखा। और लीनियर इक्वेशन में हम करते हैं ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, yes, yes. वो कर दिया, उसमें भी मेरी वैल्यू निकल गई थी। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये हो गया। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने ये स्टेप बताया कि y by x के जगह k डालो ताकि वो सिंपल हो जाए क्वेश्चन। अदरवाइज y by x रखेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। a is to b is the duplicate ratio of a plus x is to b plus x, then what is the value of x square? x square का value क्या आएगा? ऑप्शन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। सो देखो नंबर 8, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं यार इसमें, मतलब आसानी से सॉल्व ही नहीं होते हैं एकदम। ये जो है ना, पहले 5-6 क्वेश्चन ये एकदम ही आसान थे, बिकॉज दे वेर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है उसमें, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर वो कंपोनेंट और डिविडेंड उसके क्वेश्चन है वो। हाँ वो तो पार्ट आपको बहुत आसान लगेगा व्हेन वी स्टार्ट प्रोपोर्शन। ओके, ए इज टू बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस एक्स इज टू बी प्लस एक्स। तो अभी देखो ए प्लस एक्स इज टू बी प्लस एक्स, तो उसको मैंने डिवीजन में लिख लिया पहले। इसका इसका डुप्लीकेट रेशियो ये ए इज टू बी है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए अपॉन बी मिलेगा। सर मुझे यही पता नहीं चला, क्योंकि है ना इधर हमने
हाँ बोलो। ऐड किया है ना एक्स को, तो फिर हमने इधर ए का स्क्वायर तो लिया ही है, तो फिर उसमें अगर हमने कौन सा भी नंबर ऐड किया वो निगेटिव का पॉजिटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो फिर वो इक्वल कैसे आएगा सर उसके स्क्वायर से? वेरी गुड डाउट। अच्छा तो एक्स का वैल्यू अगर हमने नेगेटिव रखा तो सर लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना? स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए उससे कोई फर्क नहीं है। देखो हमारा गोल क्या है कि ये दोनों रेशियो इक्वल आने चाहिए। डू नॉट वरी, देयर विल बी सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वी विल गेट बोथ साइड्स इक्वल। कुछ तो वैल्यूज जरूर होंगे एक्स के, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू सॉल्व इट एंड टेल यू विच वैल्यूज, लेकिन हाँ वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव डालना पड़ेगा यहाँ पे। नेगेटिव डालने के बाद क्या होगा कि वो कोई तो नंबर समझो हमने 2 3 डाला एक्स की जगह, तो दोनों में से वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद उसका जो स्क्वायर है वो थोड़ा कम ही रहेगा और ए अपॉन बी जो है इसके बराबर वो आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये ए कम होगा ना, बी भी कम हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर जो है वो ए इज टू बी के बराबर आ सकता है। सो दैट मीन्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर एक्स एज नेगेटिव ओनली। पॉजिटिव रखेंगे तो भी आ सकता है एक्चुअली, क्योंकि रेशो है ना वो, तो रेशो में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद वो ए बाय बी के बराबर भी आ सकता है। सो वी कैन इवन टेक एक्स एस पॉजिटिव। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज रेशो बेटा, सो वी कैन डू कैंसिलेशन। बहुत बड़े भी नंबर आ गए तो भी उसको कैंसिलेशन करके ए बाय बी के बराबर लाया जा सकता है। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज गिवन टू अस। हमें पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ओके ऑल राइट, एक्स स्क्वायर का वैल्यू सर इधर हमने आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी ना? हाँ, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। व्हाट आई विल डू इज वी कैन टेक स्क्वेयर रूट फर्स्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ कि एक्स स्क्वेयर के जगह डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हमें दोनों इक्वल मिलेंगे। ओके, सर वहाँ पे हम अगर ए मैं स्क्वायर आइडेंटिटीज प्लस तर्क किया ना तो 2ax फिर प्लस मेरा एक्स आखिरी आंसर नो सर 4ax नो, इफ यू सर यूज आइडेंटिटी, इफ यू यूज आइडेंटिटी इट विल बिकम अननेसेसरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉल्विंग विल बी वेरी नो सर लेंथी। माय आंसर केम ए बाय बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। देखो अभी मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, और वी कैन अनदर वर्ड वी कैन से टेक सब डुप्लीकेट रेशो। स्क्वेयर रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ बी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस नो सर। सर आपने कल से किया वो मैं समझ में आया। अरे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो अगर समझो मेरे पास 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 25 कैन बी रिटन एज स्क्वेयर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 5, है ना? यस सर तो यस सर वैसे ही यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेने के बाद स्क्वेयर चला जाएगा। इतना समझा लेफ्ट हैंड साइड में? हाँ सर हाँ सर हाँ, वैसे ही लेफ्ट में तो स्क्वेयर रूट लिखना पड़ेगा हमें, एक्चुअल स्क्वेयर रूट का सिंबल, तो वो लिख लिया।
स्क्वेयर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ बी, ठीक है. नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डायरेक्ट एक्स अगर निकालना है तो माइनस वन किया तो चलेगा क्या? नहीं, अननेसेसरी लेंदी होगा. लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाउ. सो देखो अभी यहाँ पे अंडर रूट बी विल गेट मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए विल गेट मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना. दिस होल ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ रूट बी एंड होल बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ रूट ए. हमारा गोल है कि x का वैल्यू निकालो. पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट x एंड देन वी विल फाइंड आउट एक्स स्क्वेयर. तो x के सारे टर्म्स हमें एक साइड रखने हैं. अभी देखो रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, हाँ बोलो आर्या अमित जो भी. प्रॉब्लम इज, अरे बाप रे अगला लिंक आ गया क्या? ठीक है हो जाएगा दो मिनट में. द प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन विल बिकम वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व. हमारा गोल क्या है बेटा? वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर. तो ऑलरेडी वहां पे एक्स स्क्वेयर का भी टर्म आएगा. जब हम ब्रैकेट स्क्वेयर लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का भी एक टर्म रहेगा और एक्स का भी एक टर्म रहेगा. दोनों दोनों टर्म को हैंडल करना डिफिकल्ट है. अभी ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा. तो अभी देखो यहाँ पे एक्स वाले ये दो टर्म आ गए और ये जो बचे हुए दोनों हैं दीज आर लाइक नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और बाकी नंबर्स को राइट में शिफ्ट करेंगे. सो रूट बी इंटू एक्स माइनस रूट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी माइनस रूट बी इंटू ए. इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा रूट बी माइनस रूट ए इज इक्वल टू इन दोनों टर्म में हम रूट बी माइनस रूट ए आ सकता है क्या? अगर मैंने रूट ऑफ ए इंटू बी कॉमन लिया तो आ सकता है. देखो अभी मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं देखो बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, एम आई करेक्ट? यस सर. ए कैन बी रिटन एट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, इज इट क्लियर? सबको समझा क्या ये? यस. अरे yes, sir, हाँ. Yes, sir, understood. तो यहाँ पे इस अंडर रूट बी को मैं अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी लिख रहा हूँ माइनस रूट बी. ए को लिखा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अंडर रूट ए बी है अंडर रूट ए इंटू बी अंडर रूट ए इंटू बी, इतना पार्ट दोनों में सेम सेम है, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी मैंने अगर बाहर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा ए एक रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है. और यहाँ लेफ्ट में भी है रूट बी माइनस रूट ए इंटू एक्स. अभी नाउ डिवाइड बाय दैट ब्रैकेट. ब्रैकेट क्या था? रूट बी माइनस रूट ए. इस ब्रैकेट से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ये ब्रैकेट सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज रूट ए इंटू रूट बी. और हमें चाहिए एक्स का एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. एक्स स्क्वायर विल बी ए इंटू बी, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए आएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर. किसी को कोई डाउट? समझा कि नहीं? समझा सर. यस सर. ओके सर अंडरस्टूड.
ठीक है, सो शैल वी स्टॉप हियर? यस सर। सर व्हाट इज टाइम? सर सर मतलब सर वैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सर वो एक्स इक्वल टू ए इनटू बी मतलब ए बी ना बेटा, ऑप्शन थ्री है ना? हाँ सर। हाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा तो चलेगा? हाँ सर, कल की टेस्ट मतलब एक सब्जेक्ट के लिए।